इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जी हां, राज्य में, जी हां, पटना में लॉकडाउन हो गया समाप्त। देश में कोरोना संक्रमण अब धीरे धीरे काबू में आता जा रहा है। इसके साथ ही कई राज्यों में, जिन इलाकों में कोरोना के मामले कम आ रहे हैं, वहां लॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऐसे में अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सभी जिले के जिलाधिकारियों से फीडबैक ली है और उसी के आधार पर यह रणनीति बनाई गई है कि बिहार में 8 जून के बाद लॉकडाउन की अवधि बढ़ाना सही नहीं है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बिहार में लॉकडाउन हो गया समाप्त। लॉकडाउन से कोरोना संक्रमण में कमी आई है, अतः लॉकडाउन खत्म करते हुए शाम 7 बजे से सुबह के 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। 50% उपस्थिति के साथ सरकारी एवं निजी कार्यालय 4 बजे तक ही खुलेंगे। इसके अलावा जो भी दुकानें खुलती थी 2 बजे तक, उसकी अवधि भी बढ़ा दी गई है। दुकान खुलने की अवधि 5 बजे तक रहेगी। ऑनलाइन शिक्षण कार्य, जो ऑनलाइन क्लासेस जो होते हैं, ऑनलाइन शिक्षण कार्य जो होते हैं, वो किए जा सकेंगे। निजी वाहन चलने की अनुमति रहेगी। अब तक निजी वाहनों पे आपको परमिशन लेना पड़ता था और चेकिंग के दौरान आपके चलान काटी जाती थी, लेकिन अब पूरी तरह से लॉकडाउन समाप्त हो चुका है। निजी वाहन चलने की अनुमति रहेगी और यह व्यवस्था अगले 1 सप्ताह तक रहेगी। लेकिन इस बीच अभी भी भीड़भाड़ से बचने की आवश्यकता है और सभी को मास्क पहनना अनिवार्य है। आपको अब तक की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं, बिहार में लॉकडाउन हो गया है समाप्त। रात्रि कर्फ्यू रहेगा जारी और जो दुकानें रहेंगी वो 5 बजे तक खुली रहेंगी। रात्रि कर्फ्यू के हिसाब से मैं आपको बता दूं, शाम 7 बजे से सुबह के 5 बजे तक कोई भी नहीं निकल सकेगा शाम में। लेकिन ऐसे बात करें आम जिंदगियां जो सड़कों पे चलती हैं, उनके लिए लॉकडाउन पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है।